What's up guys, this is Azad Malik and you are watching your favorite YouTube channel. I am back with another vlog. तो दोस्तों आज की अपडेट आपको देनी थी. मेरा vlog लेट आने की वजह असल ये है कि वो भाई बैठे हुए हैं कबीर भाई, उनकी वीडियो भी एडिट करनी पड़ती है. समटाइम वो भाई बैठे हुए हैं उनकी भी वीडियो एडिट करनी पड़ती है. तो सारा काम मेरे ऊपर होता है क्योंकि एडिटिंग आई थिंक मुझे सबसे अच्छी आती है, नॉर्मल सी आती है, लेकिन इन्हें लगता है कि या ये करते होंगे कि अपना टाइम बचाने के लिए सारा काम मुझे दे देते होंगे. तो बताना ये था कि यार आज सुबह से मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की है. ये लाइट गई हुई थी, तो लाइट सुबह 9 बजे की गई हुई थी या सुबह 9 बजे की 8 बजे की लाइट गई हुई थी, तो अभी 5 बजे आई है. तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया. तो जो बताना था कि मेरा व्लॉग लेट क्यों होता है, तो मेरा व्लॉग लेट होने की असल वजह ये आपको दिखा रहा हूँ. ये बैठे हुए हैं, ये आप रिंग लाइट के आगे जो LCD रखी हुई है, LCD के सामने बैठ का भी अपना चैनल है, कुछ भी ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल है. इनकी वीडियो भी एडिट करनी पड़ती है. तो अभी और क्या बातें करें यार, हमें तो उल्टी सीधी बातें ही करने आती है. तो वो भाई का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना. मैं नीचे ये आगे आपके स्क्रीन के आ रहा होगा, तो कुछ भी ऑफिशियल के नाम से भाई का चैनल है. व्लॉगिंग करते हैं ये भी, अच्छी ट्रैवलिंग व्लॉगिंग भी करते हैं, तो हर तरह की व्लॉगिंग कर लेते हैं ये. जहाँ पे यानी कि इनका दाल लगता है ये वहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं. भाई देखे, ये मेरे सिस्टम पे आए हुए हैं अपना डाटा, यानी कि यहाँ पे पेस्ट करने आया कि मेरे मोबाइल में स्पेस कम है अब, तो अपना डाटा देने आया मुझे कि ये रात तक क्या नाम है वीडियो एडिट होके अपलोड हो जानी चाहिए 8 बजे तक. तो चलते हैं भाई की तरफ, ज़रा विजिट करवाते हैं. उससे पहले आप वो देख लें, वो बंदे के हाल देख लें. जहाँ पे उठा है वहाँ पे ही उसने अपने नेल्स काटना शुरू कर दिया. अब इसकी ड्यूटी का टाइम है, इसने ऑफिस जाना है. अभी ये भाई ने भी ऑफिस ही जाना है. भाई का वो क्या नाम है, हाँ ऑफिस से याद आया यार, मैं भी ऑनलाइन काम करता हूँ. इन्हें लगता है कि ये वेला है, बिल्कुल ही वेला है. मैं भी इन भाई की तरह ही काम करता हूँ, वो भाई भी ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ऑफिस जाते हैं, मैं घर पर काम करता हूँ, मेरा अपना काम है. तो इन्हें लगता है कि ये घर में बैठ के कोई भी काम हो ये मुझे याद करते हैं कि यार इसे भेज दो, अजान को भेज दो, कहीं पे जाना हो, कुछ मंगवाना हो, मेहमानों को रिसीव करना हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, बच्चों को बाहर लेके जाना हो, इन्हें अजान मलिक की याद आता है. तो भाई की तरफ अभी चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. भाई को सिंगिंग का बड़ा शौक़ है, सिंगिंग के साथ साथ ये तबला अच्छा बजाते हैं. तबला बजाने तो नहीं आता, लेकिन इधर उधर से यानी कि जो धुने उन्होंने सीखी हुई हैं, खास तौर पे सराइकी सॉन्ग्स की, तो इनसे कुछ करवा के देखते हैं ये कैसा तबला बजाते हैं. मुझे गाने आते तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई गाना गा देते हैं. मुझे आजकल मैं गाना सुन रहा हूँ कि चलो भाई के पास जाके सुनते हैं. हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे, टेबल सेट कर लिया है. ये मेरा एक किस्म का ऑफिस है, यहाँ पे काम करता हूँ मैं. कभी आपको दिखाऊंगा, ये विज़िट कराऊंगा मैं पूरा सिस्टम आपको. इसी सिस्टम पे मैं वीडियो सारी एडिट करता हूँ, अपनी वीडियो भी, भाई की एडिट भी, भाई की वीडियो भी इसी सिस्टम पे, अपनी वीडियो भी एडिट करता हूँ, भाई की वीडियो भी एडिट करता हूँ, एक और भाई है समटाइम उनकी भी वीडियो भी एडिट करता हूँ. तो आपको कभी विज़िट कराऊँगा. और आने वाली वीडियोज़ बहुत अच्छी होने वाली है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी होंगी, यूट्यूब से रिलेटेड भी होंगी. और एक दो दिन तक या 1 जनवरी या 2 जनवरी तक ना मैंने क्या नाम है अपनी अर्निंग रिवील करनी है. आप देख के हैरान हो जाएंगे कि मैंने पिछले साल यानी कि 2000 इतनी अर्निंग की है यूट्यूब से. आप भी हैरान हो जाएंगे कि यार ये बंदा अकेला वाहिद बंदा इतनी ज़्यादा अर्निंग कैसे कर सकता है. मैं खुद हैरान हो जाता हूँ जब भी जाके अपना रेवेन्यू चेक करता हूँ ना, एडसन अकाउंट में जाके चेक करता हूँ, तो मेरे खुद तोते उड़ जाते हैं. तोते उड़ने से याद आया कि अभी भाई से गाना गवाते हैं, कोई सराइकी गाने के शौकीन है भाई. मुझे लगता है कि इन्होंने बोलना ही नहीं है, इन्होंने बस बीट ही देनी है और मुझे कहना है कि यार गाना गाओ. तो गाना कौन सा गाते हैं, कैमरा जब भी ओपन होता है ना, कैमरा ओपन होते ही दिमाग से सारी चीज़ें उड़ जाती है. जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल में बंदा बैठा हो और आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ जाए ना, वही हिसाब होता है कैमरा ओपन जैसे ही होता है. तो कोशिश करते हैं, मुझे लिरिक्स किसी गाने के प्रॉपर कभी भी नहीं याद हुए, तो कोशिश करते हैं यार बजाओ यार कोई. सराइकी से शुरू करते हैं. चिट्टा चोला सीधे दर्जे नहीं भूले ना ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला
सीधे दर्जे नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लाया माया, चिट्टा चोला लाया माया, आज भी जीवन नहीं हो मिलनाया। चिट्टा चोला सीधे दर्जे नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जे नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। थोड़ा सा इसमें फनी शेर ऐड करते हैं। शायर कहता है कि चिट्टे चोले दे चिट्टे बटन, चिट्टे चोले दे चिट्टे बटन, चिट्टे चोले दे चिट्टे बटन, मैं सकाला ना मारो सादे बैलेंस गत्ता में, मैं सकाला ना मारो सादे बैलेंस गत्ता में। चिट्टा चोला सीधे दर्जे नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। ओहो चिट्टा चोला आहा, चिट्टा चोला सीवे दर्जे नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चलो अब भाई कोई गाना बताएंगे, वो गाते हैं। बताओ भाई, बताओ बताओ। सोना सावला मुक न मोड़ी, लगी होई प्रीत जाने तू न तोड़ी, लगी होई प्रीत जाने तू न तोड़ी। अगला शेर मैनू नहीं आंदा, अगला शेर नहीं आंदा, मेरा पार्टनर भी नहीं गाना। चिट्टा चोला सीधे दर्जे, चिट्टा चोला सीधे दर्जे नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। अब कोई गाना बताओ, वो गाते हैं। बंद करें क्यों? रुको यार जरा। भाई कह रहे वीडियो बंद करो, पता नहीं भाई को क्या कहा है। चलो आप हो आओ, नीचे बुला रहे हैं भाई को, ये चलने दो यार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थोड़ा सा रैप स्टाइल में कहता हूँ, वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। ये भाई ने पिट कर दिया हमारे ऊपर पिट के बीच। तो मैं कौन सा गाना गाने लगा था, ते बाजीगरो बाजीगर यार, कोई गाना बताओ यार। जेडी कोई गाना गा देते हैं यार, पब्लिक को थोड़ा एंटरटेन करते हैं। एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक जेन में आ रहा है गाना, एक आ रहा है, आ रहा है सराइकी गाना आ रहा है के खिलौना आए हाय जाने कर तुम तो, ये जेडी भाई है, जेडी भाई, जेडी भाई तोड़े जाते हो। सारे मिलके गाओ, मिलके गाओ। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़े जाते हो, मैं चल नहीं सकता और तुम दौड़े जाते हो। देखो यार गाइस, ये कैमरा ओपन होते ही ना सबके दिमाग के तोते उड़ जाते हैं हमारे, तो तोते कबूतर मुर्गियां सब कुछ उड़ गया है। यार वीडियो भी ऑन है कि नहीं? हाँ वीडियो ऑन है। चलो यार भाई कोई गाना बताओ, मैं उतनी देर में सुना देता हूँ, आजकल जो ट्रेंडिंग में जा रहा है वो गा देता हूँ। कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कहानी सुनो रवानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे नाम की ये मेहंदी नहीं। ये तो गलत,
अपने नाम की ये मेहंदी तेरे हाथों में सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे। सारे गाने का बेड़ा गर्क करके रख दिया, अभी भाई गाना सर्च कर रहे हैं। कॉपीराइट आ जाएगा यार वाह। तू जे मेले हमेशा तोल लवे दे मैं दुनिया नु तै दवा पले पले। चलो दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तुझ मेरे हमेशा बोल रहे ते मैं दुनिया नु क्या दवा परे परे। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तुझ मेरे हमेशा बोल रहे ते मैं दुनिया नु क्या दवा परे परे। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। यार अगर मैं आपको इस भाई का डांस दिखा देता ना इस वीडियो में, ये उधर कैमरे की बैक साइड में डांस कर रहे हैं, लेकिन नहीं आते रहेंगे व्लॉग ये भाई का, आपको डांस भी दिखाते हैं। तो गाइस वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में भाई के व्लॉग में मुलाकात होगी, भाई का व्लॉग भी इसी तरह का आने वाला है, ठीक है। तो अभी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उससे पहले मेरा डांस देखें, उससे पहले भाई का डांस देख ले। अगर डांस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। स्लिप ऑफ टंग आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कैमरे के साथ फ्रेंडली नहीं ना है, तो कैमरे के साथ जैसे ही फ्रेंडली होते जाएंगे काम वैसे बढ़ता जाएगा। We got to talk it all.